एवरीवन, माय नेम इज तनवीर रहमान। आई वेलकम यू ऑल फॉर द टुडे ऑनलाइन लर्निंग क्लास। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू क्लासिफाई मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड को आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी इसको फिर से एक बार और अच्छे से समझने के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए देखता हूँ। सबसे पहले बताया गया एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होंगे आपके, वो डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड होंगे। क्यों होंगे बताता हूँ। मिक्सचर जो होंगे वो डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड होंगे। इसमें होती क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि एलिमेंट और ए कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जहाँ पे एलिमेंट की बात होगी और कंपाउंड की बात, जहाँ मिक्सचर एक उससे जो बनने वाले मिक्सचर और उनके वजह से कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट दिस मिक्सचर इज कॉल्ड, मतलब इसको कहेंगे हम लोग मिक्सचर कहेंगे, ठीक है ना। सेकंड में क्या हो गया, ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, उनका कभी भी सेम कंपोजिशन नहीं होगा, हमेशा वेरिएबल कंपोजिशन होगा। थर्ड में आपको क्या होगा, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस मतलब अलग अलग जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, मतलब कहने का मतलब उनके जितने पार्ट होंगे सब अलग अलग अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करती है इसमें, ठीक है ना। मतलब सबका आप एक एक पार्टिकल्स का अलग अलग कंपोजिशन देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाई फिजिकल मेथड, और इसमें फिजिकल मेथड से आप आराम से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड में। तो कंपाउंड में क्या बोला गया, कंपाउंड में बोला गया है कि एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड, ठीक है। इसमें जब भी एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ इच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, जो भी आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, आपका कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगा। न्यू सब्सटेंस हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो इनिशियल जो प्रॉपर्टी थी एलिमेंट्स की जब कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा हैंड से, मतलब कि फिजिकली तो हम लोग कर नहीं सकते, तो इनको क्या करना पड़ता है, हम लोग को केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकली इसको सेपरेट करते हैं। द मटेरियल ऑब्टेन्ड, तो करना क्या था मुझे ध्यान से देखेंगे, द मटेरियल ऑब्टेन्ड नोट टीचर्स सुपरविजन नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी, परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विद बोथ द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर, वो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की थी इसके बारे में। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। तो ग्रुप जो कार्बन डाइसल्फाइड का एग्जांपल लिया गया था और उसके बारे में समझाई गई थी, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे इस एक्टिविटी को आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं इसके आगे को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बोला क्या गया, यहाँ पे बोला गया कि द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप वन इज ए हाइड्रोजन, इट इज़ ए कलरलेस ऑडरलेस कम्बस्टिबल, इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू कम्बसन टेस्ट इन हाइड्रोजन इन द क्लास। क्लास पे कम्बसन टेस्ट के लिए एडवाइस नहीं दी जाती करने के लिए, ठीक है ना। उनके बाद गैस ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजन ग्रुपिंग इज ग्रुप टू इज हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इट इज़ द कलरलेस गैस विथ ए स्मेल ऑफ रोटन एग्स, मतलब कि सड़ हुए अंडे का जैसा महक होती है इनकी, ठीक है। यहाँ देखता हूँ, यू हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल वेयर द सेम ग्रुप वन हैज़ कैरीड आउट द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज, वेयर एज इन द ग्रुप टू द केमिकल चेंज ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप वन इज ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, जो पहला हम लोग मटेरियल को ऑब्टेन कर रहे हैं वो कहाँ पर, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस क्या है, द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जितने भी प्रॉपर्टी उनकी मिक्सचर की होगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की भी, मतलब कि जो आपका प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, जैसे कि हमने कंपाउंड में आपका मिक्सचर में बताया था। द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप टू इज ए कंपाउंड, तो कंपाउंड होंगे तो उनकी क्या होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रॉपर्टी जो होगा उनके कंपाउंड की प्रॉपर्टी से अलग होगी। On heating the two element strongly we get a compound which has a totally different property compared to the combining element. The composition of the compound is the same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. Thus we can summarize the physical and chemical change of a matter in the following graphical organizer. Graph से हम लोग किस तरह से उसको
क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, यहाँ पे आपको बोला गया है मैटर को दो पार्ट में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हो गए। एलिमेंट में कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, उसके बाद क्या है आपका हाइड्रोजन है, मरकरी है। अब ए फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, मिथेन है, शुगर है, सॉल्ट, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड एंड एलिमेंट। नाउ टॉकिंग ओवर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड होटोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्या होती है, तो फिर यूनिफॉर्म कम्पोजिशन इसमें नॉन यूनिफॉर्म कम्पोजिशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वुड, ब्लड, वाटर इन ऑयल। तो आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। उसको एक बार अपने से पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको इट विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो उसको डीप डीप थोड़ा सा केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो कुछ कुछ रिकॉल कर लें क्या, वट यू हैव लर्न, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक आउट ऑल द पॉइंट्स रिटन राइट हियर, ओके। जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं आप उसको एक फिर से रिवाइज कर लोगे, जितना मैंने पीछे पढ़ाया उसी को यहाँ पे लिख दिया गया, क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।